12 फरवरी 2020 क्या इस तारीख तक डीटीएच नियम के अंदर बदलाव हो जाएगा? ट्राई के द्वारा जो नियम में बदलाव किया गया और जिसके लिए नोटिफिकेशंस निकाले गए 1 जनवरी 2020 को, उसके अंदर कुछ तारीखों का अनाउंसमेंट किया गया था जब तक सारे ब्रॉडकास्टर्स और जितने भी आपके डीटीएच ऑपरेटर्स हैं सबको अपने रेट्स को अपने वेबसाइट के ऊपर अनाउंस करना था, लेकिन कुछ पेज फंसने के कारण अभी तक रेट बाहर निकल के नहीं आए हैं। कुछ चैनलों और साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आई है कि 12 मार्च 2020 तक जितने भी चैनल के रेट हैं वो उनके वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक और तारीख बताने वाला हूं जो कि एक और केस चल रहा है कहीं, उसके बारे में जानकारी होगी आप। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आपको डीटीएच कानून के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो सही लग रहे हैं या नहीं, इसके बारे में जो भी आपको कमेंट लगता है जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डीटीएच कानून के अंदर जो बदलाव किए गए ट्राई के द्वारा, जिसके लिए तारीख दी गई थी 15 जनवरी 2020 और इस तारीख तक जितने भी ब्रॉडकास्टर्स थे उनको अपने जो रेट्स थे वो वेबसाइट्स के ऊपर लेके आना था, और जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स हैं आप कह सकते हैं टाटा स्काई, एयरटेल, सन डायरेक्ट, उनको अपने बुके फॉर्म करने थे और 31 जनवरी तक अपने वेबसाइट्स के ऊपर लेके आना था, और एक महीने का समय जो सब्सक्राइबर्स हैं जैसे कि हम और आप उन लोगों को देने वाले थे वो लोग, और 1 मार्च 2020 से नियम के अंदर बदलाव हो जाना था। लेकिन उससे पहले जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है IBF है, उन्होंने एक केस दायर किया बॉम्बे हाईकोर्ट में, और उसके बाद हुआ यह कि कुछ तारीख पड़ गई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे तो लगाया नहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ डेट्स हुए और उस डेट्स के कारण चीजें रुक गई। अब उसके अलावा सन डायरेक्ट के तरफ से एक केस दायर किया जाता है मद्रास हाईकोर्ट में, और मद्रास हाईकोर्ट ने जो अगली हियरिंग की डेट दी है वो आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च महीने में 20 तारीख की दी है, मतलब कि 20 मार्च 2020 तक ये मामला अटक सकता है। तो कुछ रिपोर्ट्स में जैसा कि आपने देखा होगा कि 12 फरवरी 2020 के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के अंदर ये मामला 12 फरवरी 2020 को सुनवाई में आने वाला है, और उसके बाद हो सकता है कि रेट्स जो है वो अनाउंस किए जाए। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम पहले से अभी कुछ रेट में इजाफा किया गया स्टार के द्वारा, और साथ ही साथ कुछ और चैनल्स के रेट को बढ़ाया गया है। सिर्फ और सिर्फ जया टीवी जो एक ऐसा ब्रॉडकास्टर्स है जिन्होंने अपने रेट को नए नियम के हिसाब से लागू किया है, जिसके अंदर कोई भी चैनल अगर एक बुके का पार्ट होना मांगता है तो उसको 12 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं रखना होगा। तो यह बहुत ज्यादा सिरदर्दी होगी ब्रॉडकास्टर्स के लिए। डीटीएच ऑपरेटर भी परेशान है कि उन लोगों को NCF में हो सकता है ये घाटा हो और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी या फिर 20 मार्च इन दोनों में से कोई एक ऐसा डेट होगा जब आपको रेट्स मिलेंगे नए वाले, जो कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था आपको कमेंट करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ तकनीकी सार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी वीडियो आता है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन सबके पास जाते नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।